तुझसे लड़ाई भी हो गई है मेरी आज। हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। आज मैं हो चुकी हूँ रेडी, यानी पूरा कंप्लीट रेडी होना बाकी है। ड्रेसअप कर लिया है और रूम में थोड़ा सा अभी बिखरा पड़ा हुआ है क्योंकि रेस्ट भी कर रही थी और काम भी कर रही थी, इसलिए क्योंकि जुकाम थोड़ा आज ठीक है। आज फिर मैं व्लॉगिंग स्टार्ट कर दी है और अभी मैं साथ ही साथ बना रही हूँ लंच। लंच में बना रही हूँ मैं तुअर की मीठी दाल रोटी और चावल, क्योंकि दाल चावल मेन है, दाल चावल ज़्यादा अच्छे लगते हैं। और मिट्टू पीछे बैकग्राउंड में बातें कर रहे हैं, हमेशा सुनाई देता है जैसे कि आपको। पसीने से लथपथ मेरा मुंह आप देख सकते हो, अभी जस्ट रोटी बनाई है इसलिए इतना सारा पसीना हो गया है। दाल चावल और रोटी कंप्लीट है तो इसको डाइनिंग पे लगा देती हूँ और चिकू को कॉल कर देती हूँ। चिकू भी आ जाएंगे, लंच कर लेंगे और फिर मैं सीधा शॉप पर। कल नहीं गई थी क्योंकि कल तबीयत थोड़ी ख़राब थी, थोड़ी क्या ज़्यादा ख़राब थी, इसलिए नहीं जा पाई थी। अब चिकू को एक कॉल लगा देती हूँ। दाल और रोटी, चिकू भी आ गए, दोनों जने साथ में ही लंच कर देते हैं और चावल बाद में लेंगे, एक बार रोटी को कर देते हैं फिनिश। मैं डर गया भी यार, ऐसे क्या करते हो? जोरदार डर डाउट था तुम वहाँ हुई हो। अच्छा, पता नहीं था एक पास में आ जाओ। शॉप पे आ गए तो शॉप पे अभी मेरे को थोड़ा काम है, काम तो क्या, मेरे मोबाइल में मेरे को कुछ काम है कंपनी से रिलेटेड, तो अभी चिकू और मैं दोनों अभी काम करेंगे। और फ्रिज चालू है क्या? चालू है, चिल्ड वाटर है, है? गलतियाँ सबसे होती है, मुझसे भी हो सकती है, रोबोट थोड़ी ना हूँ मैं। शॉप पे आके मैं तो सोई गई थी, मुझे बहुत नींद आ रही थी, सर्दी जुकाम की दवाइयों से बहुत नींद आती है यार। शॉप पे ऐसी चलती है ना तो मस्त नींद आ जाती है ठंडे ठंडे में। तो अभी बाहर आ गया है क्विंस का स्टॉक, तो बाहर जा रही हूँ मैं क्विंस का स्टॉक देखने के लिए और सब चीज़ें देखती हूँ क्या क्या है। आपको शॉप करो पर ये प्रोडक्ट्स दिखने मिल जाएंगे, जो जो भी शॉप करो पर न्यू न्यू आ रहा है वो। पानी पीना है? है फ्रिज में पानी। फुल चिल्ड है, चिल्ड है। एक बोतल दे। मैं भी अभी देखूंगी क्या क्या प्रोडक्ट्स हैं इसमें और आपको डिटेल में वीडियो शॉप करो पर मिल जाएगी। पूरा दिन शॉप पे रहने के बाद मैंने बालों में करवा दिया है ऑयल, अब और कुछ देर के बाद मैं जाऊंगी घर पे और अभी जाऊंगी मैं आगे वाले शॉप पर, क्योंकि आगे वाले शॉप पर भी कस्टमर्स आने वाले हैं तो उनको भी कुछ सजेस्ट वगैरह करने का काम तो मैं ही करती हूँ। और आज पूरा दिन मुझे इतना ज़्यादा लेज़ी लगा है, बहुत ही ज़्यादा लेज़ी, और चिकू से लड़ाई भी हो गई है मेरी आज बहुत ज़ोरदार वाली। आज मैं उनसे बोलने वाली नहीं हूँ। ये वाला व्लॉग क्या पता एडिट होगा भी कि नहीं होगा। आज का व्लॉग तो पक्का एडिट नहीं होने वाला है क्योंकि चिकू ही एडिट करते हैं और मेरी और चिकू की हो गई लड़ाई और भयंकर वाली लड़ाई हुई है। मैंने चिकू को तो इतना ज़बरदस्त, दोपहर में तो लड़ाई की थोड़ी जेन्यून भी थी क्योंकि लड़ाई थोड़ी सी गुस्से से हुई थी मेरी, पर फिर मैंने बाद में सोचा कि हम ज़्यादा टाइम तक लड़ाते हैं नहीं, बोलते भी हो जाते हैं, पर फिर मैंने सोचा क्यों ना इसी लड़ाई पे व्लॉग बनाया जाए। अभी चिकू आएंगे थोड़ी देर के बाद मेरे को लेने के लिए तो आएंगे, उनको पता है गुस्सा तो है ही। मैंने बोल दिया मैं बात भी नहीं करूँगी, कुछ भी नहीं, आज देख लेना आई हूँ, आज से बात बोलना बंद बिल्कुल ही, हमेशा जो पिघल के बोलती हूँ वो नहीं बोलूँगी। ठीक है चलो अभी आएँगे फिर देखते हैं क्या रिएक्शन है, मैं तो एकदम गुस्से में ही रहने वाली हूँ। बाहर चिकू आके खड़े, अंदर आ नहीं रहे, सिर्फ बाहर आके हॉर्न बजा दिया है कि आ जाएगी बाहर यूँ करके, पर मेरे को इनसे बोलना ही नहीं है, तो जाना तो यही घर पे, चुपचाप बैठ के चली जाती हूँ। वो ले गया, वो ले गया।
चीकू पहले मुझे लेने आया पर मेरे को बोले ही नहीं है ना, और पीछे ही मैं जबकि मैं पीछे ही बैठी थी जस्ट, तो भी आज मैं भी खाना नहीं बनूंगी इसी बात पे, कोई खाना नहीं है, जिसके जैसे खाना खाओ। मैंने पूरी प्लानिंग कर दी है, यहाँ पर मैंने गोप्रो माउंट कर दिया है, यानी अक्सर हम क्या बेड के आसपास ऐसे गोप्रो रखते रहते हैं, इसलिए चीकू को इतना माइंड नहीं होगा कि गोप्रो वहाँ पर क्यों रखा हुआ है। और थोड़ी देर पहले स्टार्ट करके रखूँगी तो स्क्रीन भी ब्लिंक नहीं करेगी, इसलिए पता नहीं चलेगा, और हाथ से मैं तुरंत झगड़ा चालू करूँगी, मज़ा आने वाला है बहुत। हालांकि ऐसे थोड़ी थोड़ी नाराज है पर बस मेरे को यूँ है कि झगड़ा और बढ़ ना जाए। मैं तो पूरी प्लानिंग कर रही थी कि चीकू से जोरदार वाली झगड़ूंगी, पर चीकू ने आके इतना प्यार से बोला कि चल आज से तू खाना नहीं बनाएगी, होटल चलेगी, तो सारा गुस्सा हो गया ख़त्म। मेरा जोरदार झगड़ना था तुमसे, तुम झगड़े नहीं मेरे से। अच्छा जी, क्या सुनने मिल रहा है, देख रहे हो आप? अब कह रहे चलो होटल, आज तो खाना नहीं बनाएगी, आज मैं तेरे को होटल लेके जाऊंगा। यानी मस्का मारना भी कोई इनसे सीखे, मैं तो पूरे प्लान में थी आज जोरदार वाली लड़ाई करनी, मेरे को खाना ना कुछ नहीं बनाऊंगी, तो इन्होंने पहले ही सब दिमाग में सोच लिया, बहुत माइंडेड है। तो अभी हम निकल रहे हैं होटल खाना खाने के लिए, तो चलो गाड़ी में चलते हैं। चिपकली घुस जाएगी रूम में तो। तो अभी हम निकल रहे हैं, मम्मी पापा अब गाड़ी में आएंगे, मैं तो क्या पार्किंग में थी तभी गाड़ी में आके बैठ गई थी। विक्कू का फोन आया है, परसों विक्कू के वहाँ बन हो रहा है, तो परसों वापिस से मस्ती मजा आ जाएगा। ये तुमने आज चिपकली निकाली वो वाली है। तो हम हमारा डिनर करके आ गए हैं चारों जने, और आज तो हम गए थे नहीं, आज तो हम जनपद नहीं गए थे, आज तो हम कैलाश का ढाबा गए थे, और बहुत ही ज़्यादा टेस्टी खाना खा के आए, एकदम गर्मा गर्म, और मज़ा आ गया। यहीं पर कर देती हूँ मैं ब्लॉग का एंड। अब अगर आज का ब्लॉग देखने के बाद अच्छा लग गया हो तो लाइक कर देना, शेयर कर देना, कमेंट करना, सब्सक्राइब करना मेरे चैनल को। आज मैंने आईब्रोज बनवाई है, थोड़ा मुझे जलन हो रहा है, तो मैं अभी अब बैठी बैठी बर्फ से एक्सरसाइज करके सिकाई कर रही हूँ, पोर्स को क्लोज कर रही हूँ, क्योंकि मेरी स्किन बहुत ज़्यादा सेंसिटिव है इसलिए। तो ओके बाय, ओके बाय।